दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से आने वाली महंगी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है भारत के अंदर टाटा नैनो लॉन्च होने वाली है। ये गाड़ी अब आपको भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वर्जन में देखने को मिल जाएगी, मतलब आप बिजली से चलने वाली टाटा नैनो अब भारत के अंदर ही खरीद सकोगे। अगर आपका भी सपना है टाटा नैनो को खरीदने का, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं लगातार ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जो आपको मेरे अलावा पूरे यूट्यूब पर और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। और क्या आपने कभी टाटा नैनो चलाई है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, जिस गाड़ी को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये गाड़ी न्यू वाली टाटा नैनो होने वाली है। इस बार ये गाड़ी आपको भारत के अंदर इलेक्ट्रिक अवतार में देखने को मिल जाएगी, मतलब इस वाली टाटा नैनो को आप केवल बिजली के खर्चे पर ही दिन भर दौड़ा सकोगे। सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ये गाड़ी पहले से भी ज़्यादा सस्ती होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस गाड़ी की कीमत और भी ज़्यादा कम कर दी गई है। टाटा नैनो के बारे में तो वैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। टाटा नैनो को रतन टाटा जी ने स्पेशली गरीब लोगों के लिए ही बनवाया था, लेकिन बाद में अपने कुछ निजी कारणों के चलते टाटा नैनो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। टाटा नैनो के बंद होने के बाद से ही ऐसी खबरें बार बार आती रहती थी कि टाटा नैनो दोबारा से लॉन्च होगी, लेकिन इतने सारे सालों के बाद भी टाटा नैनो अभी तक भी भारत के अंदर दोबारा से लॉन्च नहीं हो पाई है। लेकिन अब आपको ऐसे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाटा नैनो फाइनली भारत के अंदर लॉन्च होने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी है। मैं आपको इस गाड़ी की कीमत के बारे में बताऊंगा और ये गाड़ी भारत के अंदर कब तक लॉन्च होगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले जान लेते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको कौन कौन से फ़ीचर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसे फ़ीचर देखने को मिलेंगे जो 20-20 लाख वाली गाड़ियों के अंदर भी देखने को नहीं मिलते। ये गाड़ी वैसे नाम की ही टाटा नैनो होने वाली है, अच्छे खासे फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर गाड़ी के सबसे पहले एक्सटीरियर के बारे में बात करें, तो इस गाड़ी के अंदर आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, उसी के साथ में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिल जाते हैं। अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो गाड़ी के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे और 4 दरवाजे दोनों का ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वैसे आप इसका कौन सा वर्जन खरीदना पसंद करोगे, 2 डोर या 4 डोर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इसके पीछे चलकर बात करें, तो पीछे की तरफ भी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, गाड़ी के पीछे आपको रियर वाइपर, रियर कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ पाने के लिए आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी के अलॉय व्हील के साइज के बारे में बात करें, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 14 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, लुक के मामले में ये गाड़ी अब अच्छी खासी गाड़ियों को भी टक्कर देने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि इस गाड़ी का लुक पहले से काफ़ी शानदार रखा गया है। दिखने में ये अच्छी खासी लग्जरी गाड़ी के जैसी ही नज़र आती है। वैसे आपको इस गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। दोस्तों, इंटीरियर को देखकर आप ये मत सोचना कि शायद ये कोई नकली वीडियो है, क्योंकि ये केवल एक डेमो मॉडल है। गाड़ी के इंटीरियर में भी आपको अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन के साथ साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है, उसी के साथ में आपको गर्मी और सर्दी से बचने के लिए AC एंड हीटर भी देखने को मिल जाता है। अगर इसकी सेफ्टी के बारे में बात करें, तो उसके ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टाटा कंपनी अपनी सेफ्टी की वजह से ही जानी और पहचानी जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग के साथ साथ सेफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप इसका इंटीरियर एक बार अपने आप से भी चेक कर सकते हो। इसकी ड्राइविंग रेंज के बारे में बात करें, तो एक बार चार्जिंग के बाद आप इस गाड़ी को 300 किलोमीटर तक लेकर जा सकते हो। वहीं अगर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये गाड़ी भारत के अंदर 2026 तक लॉन्च कर दी जाएगी। और अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें, तो आप इस गाड़ी को केवल 3 लाख रुपए में एक्सोरूम प्राइस पर अपने घर पर लेकर आ सकते हो। वैसे आपको ये गाड़ी कैसी लगी और क्या आप इसे लेना पसंद करोगे या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।